हाय गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पे यॉर्क करके एक जगह है नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में, वहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। हमारा दोनों का छुट्टी था और वीकेंड है, मंडे का ऑफ ले लिया हमने, तो 3 दिन यहाँ पे घूमेंगे। आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं घूम के दिखाऊंगा। ये बहुत ही हिस्टोरिक सिटी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है और काफ़ी काफ़ी सुंदर सुंदर जगह भी है। वैसे हालांकि वीडियो ज़्यादा बनाने का मूड नहीं था, फिर भी हम बना लेंगे। ये रहा यॉर्क स्टेशन, और यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हो एक वॉल सा बना हुआ है, ठीक है, ऐसे वॉल सा। तो यहाँ से मतलब इस सिटी को अंदर कोई इन्वेड ना कर पाए, कोई बाहर से कोई अटैक ना कर पाए, इसीलिए वो 1000 साल पहले ये दीवार बनाया था। यहाँ की जो जो राजा था या जो भी कह लो उस टाइम पे उसने बनाया था। तो ये देखो मिट्टी से मतलब नीचे कितना नीचे है और यहाँ से इतना ऊपर है, मतलब कम से कम 40 फीट ऊपर होगा, तो कोई बाहर से आके ऐसे घुस नहीं सकता। और ये इनके ऊपर से अभी गवर्नमेंट ने ऐसे बैरिकेड लगा के फिर यहाँ पे एक वॉक के लिए लगाया, तो टूरिस्ट के लिए अच्छा रहता है, लोग बाहर से आते हैं देखने के लिए। ये है यॉर्क का स्टेशन, आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है पर बहुत पुराने ज़माने का बना हुआ है, इतना ज़्यादा मॉडर्न आर्किटेक्चर है नहीं यहाँ पे। और यहाँ से वो आपको दिख रहा है यॉर्क मिनिस्टर, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। ये यहाँ पे कुछ कॉरपोरेट बिल्डिंग वगैरह, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की क्लासेस वगैरह और रेजिडेंशियल बिल्डिंग वगैरह इन्होंने बना रखा है। और अब तो हालांकि मुझे कुछ फ़र्क नहीं लगता इस दीवार का, अब तो कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि बाहर से कोई इन्वेड होने का चांस नहीं, तो पहले के ज़माने में था इसलिए उन्होंने बनाया था। हालांकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप देख सकते हो पत्थर वगैरह 1000 साल पुराना, और है काफ़ी अच्छा बना रखा है, काफ़ी ऊंचा भी है। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे यॉर्क मिनस्टर, वो भी एक काफ़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है यॉर्क का। वही इधर उधर घूमेंगे, टाइम पास करेंगे, थोड़ा सा मजे लेंगे, बस यही है और क्या। बाकी आप लोग बने रहिए, एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ करना था, अभी करते हैं थोड़ी देर में। ये जो सिटी वॉल है, ये सिटी वॉल यहाँ आके ख़त्म होती है क्योंकि यहाँ पे एक रिवर है, रिवर ओस। सो रिवर ही एक बैरिकेड होता है, कभी कभार कोई एंटर नहीं कर सकता, रिवर में नज़रदारी ज़्यादा कर सकते हो, पर ओवरऑल सिटी को बाहर के लोगों से बंद करने के लिए इन्होंने ये दीवार बनाया था काफ़ी साल, हजारों साल पहले। और ये यहाँ पे है, अभी हम सिटी सेंटर में पहुँच चुके हैं यॉर्क की, और फिर मैं आप लोगों को वहाँ यॉर्क मिनिस्टर के नीचे जाके मिलता हूँ, इसके नीचे जाके। और हाय गाइस, बहुत लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा है और शेयरिंग भी कर रहे हैं कि कह रहे कि तुम्हारा जो चैनल है, तुम वीडियोस वगैरह बना रहे हो, वो ज़्यादा सीरियस वीडियो होता है, पढ़ाई रिलेटेड और कोई एंटरटेनमेंट इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, फनी टाइप कुछ है नहीं। और कुछ लोग ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं, मेरे को सजेशन दे रहे हैं, मैं सबका सजेशन लेता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि आपका स्टोरी बताइए, आप वहाँ से कैसे यहाँ तक आए, ये वो सारा चीज़ें बताएं। मेरे को मेरे लाइफ में इतना ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं बताने लायक, फिर भी मैं कुछ मेरी हॉस्टल लाइफ, ये सारी चीज़ें, मैं फ़नी चीज़ें हैं जो फ्रेंड्स लोगों के साथ बताया है वो मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से सजेशन चाहता हूँ कि आप लोग कॉमेंट करके मेरे को बताइए कि आप लोग ये सारे वीडियोस के साइड बाय साइड कुछ फनी और मेरे हमारे जो कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में हमने क्या क्या मजाक करी, मतलब कैसे टाइम बिताया, ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को जानने में इंटरेस्ट है तो मेरे को कमेंट करके बताइए। मैं एक सीरीज ऐसे बनाने की भी कोशिश करूंगा, हालांकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ नहीं, मैं सीख रहा हूँ। यूट्यूब बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, कुछ सारी चीज़ें सीख रहा हूँ अभी। हालांकि हम यहाँ पे हैं यॉर्क में रिवर ओस करके, तो आप देख सकते हो छोटी सी बोट है यहाँ पे, और यहाँ पे एक देखो बहुत बड़ा यॉट है, इसको आप बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखो इसको यॉट कहते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। और यहाँ पे उधर की तरफ एक और ब्रिज है, और ये यहाँ पे इसको कहते हैं ओस ब्रिज, रिवर ओस ब्रिज। तो अभी हम इस पे क्रॉस करके इधर से जाने वाले हैं। बाकी जो लोग इस चैनल पे वीडियोस पे नए दिख रहे हैं, नए लोग हैं, सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। आप फुल वाइव आ रहा है भाई, वीकेंड का वाइव आ रहा है, लोग देखो यहाँ पे। तो ये है यॉर्कशायर रेलवे म्यूजियम के गार्डन, और यहाँ पे कुछ पुराने, किसको क्या बोलते हैं, किस क्या बोलते हैं इसको, कैसल पुराने कासल, कुछ
कोई रुइंस है कुछ बनी हुई है, लोग आए हुए देखने के लिए। और म्यूजियम शायद आज बंद है क्योंकि सैटरडे है। और वहाँ से आप सिटी देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी सारे लोग वगैरह भी हैं। ठंड भी इतना ज़्यादा है नहीं, अच्छा है। देखो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं, आप लोग देखते रहिए। कुछ रुइंस हैं, कुछ रुइंस वगैरह जो हुआ होगा कुछ हजारों साल पहले, कोई कैसल हुआ होगा जिसका वो है। यहाँ पे कुछ लोग फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं और कुछ ऐसा दिखता है। मैडम यहाँ पे कह रहे फोटो खिंचवाओ, ये कुछ है। अब हम यहाँ से निकल जाएंगे। वो देख सकते हो कि यॉर्क मिनस्टर, और यहाँ पे एक दुकान देखो कैसा खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत पुराना एंटीक शॉप है और ये कुछ एंटीक रेस्टोरेंट वगैरह है। यहाँ पे कुछ एंटीक बिल्डिंग्स आप देख सकते हो, ये खूबसूरत बड़ा। और ये कुछ ये क्या है, पुराने पुराने बिल्डिंग्स बने हुए यहाँ पे ही है। ये कोई चर्च होगा डेफिनेटली। टैक्सी, ये टैक्सी दो तरह की टैक्सी है यहाँ पे। काफी पुराना बिल्डिंग है देख सकते हो आप। तो अभी हम इसके नीचे जा रहे हैं। तो वो ये है यॉर्क जो सिटी है उसकी सबसे बड़ी अट्रैक्शन। इसका नाम है यॉर्क मिनिस्टर। इसमें जैसे चार मीनार की तरह बना हुआ है, आप ऊपर भी चढ़ सकते हो अगर आप लोगों को चढ़ना है तो। और यहाँ से एंट्रेंस, इधर से एंट्रेंस है। काफी लोग यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं आप देख सकते हो। और ये देखो काफी बड़ा है भाई साहब जो यॉर्क टाउन है पूरा। इसका यहाँ पे ब्लूप्रिंट आप देख सकते हो। ये यहाँ पे है यॉर्क मिनिस्टर, यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं हम, ठीक है। और ये ऐसा कुछ दिखता है और यहाँ से ये ऐसे दिखता है कुछ। ये देखो है काफी खूबसूरत भाई साहब। And the crowd went wild. You've got it better than that. Let's try a little cheer on three. One, two, three. Yeah, I'll stop asking everyone. You too. Are you ready? No more messing around. Getting straight on top of the unicycle. Perfect. Yeah, I know. That was a joke. Okay. Here we go. We're going up. Strong. I'm gonna die. Can we get two new volunteers? I get third person. I'm standing here in front of you. Hold on a second, see that strong dude. Can I hold the front of the bike for me as well? I should bring it forward a bit. I can fall back as I'm going down the stairs. Here we go. I say, hold it again. Two hands stronger. So you stand up from there. Set back there again. Two hands each. Perfect. One foot goes in front of the wheel. One foot behind. Two hands. Right, it's really important. Now I'm up here, don't try and be funny and shake it. You can laugh. If you shake it and I get nervous, I might wee. And don't laugh, this happened twice today. Okay. Are we gonna lean the seat? Pay attention, we're gonna lean it. Oh, sorry, actually, that's first. That'd be good if I get in the chain, wouldn't it? It's not fun. Are we gonna lean the seat backwards about 10 inches? This is the seat and this is backwards. Lean it backwards. A bit more, that's not 10 inches. Someone can line to all three of you. And then lean it back a bit more. Work together. This way a tiny bit. Hold it there, that's good. Right, on three, you're gonna run, okay, for two things. Number one, the first thing before you run, whatever you do, make sure you let go. Okay. Yeah, it sounds bloody obvious, but it's not. That's what happened once. Three guys didn't let go. They gave it a big push. I fell off really, really badly. Backwards, onto the step over there, and I killed a small girl wearing a black coat. Secondly, don't run, you're gonna walk. When people run, they panic, okay? And sir, here, that's the thing here, I'm really sorry. Daniel, when you leave Daniel, I'm going back to the audience. Can you pick up the three fire tools one more time for me? Is that okay, dude? And the silver handles only. Sorry, Daniel, giving you loads of jobs to do, man. I'll leave it back a bit for me again one more time. I'll just wait a tiny bit. Everyone else, remember, this could have been you. And in all honesty, without these three, I wouldn't be where I am today. Can you leave, don't you stare at them. Right, did you all understand? It's not a trick question. Chairman from Japan, do you understand? I'm not patronizing, I just want to check.
I'll take that as a maybe. So make sure, and back to time, I'm not talking for a bit, so. Right, you're all gonna move your feet, but nothing else. Move your feet away from the wheel. That's good. And then back up a tiny bit. Everyone take a big deep breath. You can all relax a little bit. You can reach grip a little bit now. And three, walk away. One, two, three, walk away. There go. Now, let's give it up for those three. Daniel, just while you still have handles, get all three. Step back in the audience, we'll get off in a second. You're looking from back in the audience, dude. Just don't throw around, they're coming in fuel, Daniel. Okay. Right, a quick trick with my hat before Daniel gives me back the torches. I'm going to attempt to knock the hat off my head, flip it through the air, and catch it on one of my feet. Some of you guys are bloody hard to impress. If I get that far, I could get back to my head. Hopefully at that point you'll all do something collectively. Daniel, we'll give us something to take the attention. Here we go. One, two. It's gone really quiet. My count. Oh, don't worry. Oh, I'll get it. Daniel, little help. Daniel, I can't really get it. I'm not sure what you're expecting. Thanks, Daniel. It's going to be a really long show, Daniel. That was funny, though. Daniel, don't go too far. Here we go. Just arriving, attempt number one. Ye Clifford Tower karke ek jagah hai. City center mein hi hai, York ki. काफ़ी ऊंचा जगहों पे हैं, हम उस पर चढ़ेंगे अभी। हालांकि उसके ऊपर भी चढ़ सकते हैं, लेकिन वो 10 से 4 ही खुला होता है और बंद हो गया अभी, तो हम लेट हो चुके हैं, 5 बज गए अभी इधर। तो ये एक अट्रैक्शन है, चलो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं घुमा के इधर। और ये कैसल म्यूज़ियम, ये सारी चीज़ें हैं यार का। काफ़ी सुंदर, शांत और कोल्ड शहर है, बहुत ठंड है भाई यहाँ पे। ये है भाई इंग्लिश हेरिटेज, ये वो सीढ़ियाँ हैं, सारा चढ़ के इसके ऊपर जाना पड़ेगा। और इसके पीछे ही है यहाँ पे कैसल म्यूज़ियम और ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी खूबसूरत। और ये आप देख सकते हो कितने हजारों साल पुराना है ये। ये 1064 में बन गया था, विलियम द कंकोरर ने बनाया था। ये रेडी हो गया था 1300 में। ये शहर था उनका भाई, शहर का नक्शा है और यहाँ पे सारा चीज़ें लिखा हुआ है कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। इसके चलते इसके ऊपर ऊपर से दिखाऊंगा मैं आप लोग को अभी। मैडम है, हाँ। तो अभी हम यहाँ पे ऊपर चढ़ गए हैं, आप देख सकते हो कितना ऊपर है हालांकि। और कैसे बनाया इन लोगों ने ना, चारों साल पहले ये 1094 साल में बना, मतलब 1200 साल पुराना है ये बिल्डिंग। इसके अंदर क्या है देख नहीं पाए क्योंकि बंद है अभी। और यहाँ पे देखो ये चीज़ें पहले से बना रखी है इन्होंने, और यहाँ से ये कुछ ऐसा कुछ व्यू आता है। बाकी जो लोग नया ज्वाइन कर रहे हैं चैनल पे, सब लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि शेयर करो, लाइक करो।